ये उसकी निशानी होगी। पवित्र आत्मा आप में क्यों आना चाहते हैं? यीशु मसीह ने कहा, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं, तुम मेरे जन नहीं। और दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा मैं जाऊंगा, वो आत्मा अभी तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं हूं वो जो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन बाद में वो तुम में होगा, यानी जब मैं चला जाऊंगा जीवित होके, जीवित 40 दिन प्रचार करके, मृतों से जी उठ के 40 दिन प्रचार करके, 41वें दिन सैकड़ों लोगों के सामने पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उठा लिए गए। परमेश्वर ने कहा अब मैं ऐसे नीचे आऊंगा, दूतों ने कहा जैसे तुमने जाते हुए देखा यीशु मसीह को नीचे आता देखोगे। यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तो पिता के दाहिने हाथ बैठकर अपना आत्मा तुमको दे दूंगा, और वो वचन पूरा होगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तब क्या होगा? जब आत्मा आप पे आएगा तो क्या होगा? उसने कहा मैं वो आत्मा वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में होगा, और ये आत्मा जो आपके अंदर होगा, इसका मेजर, इसकी जो भरपूरी है वो दानियल से कहीं अधिक है। आपको मालूम, वो दानियल से कहीं अधिक है, वो यूसुफ से कहीं अधिक है। पहले एक माप मिलता था, अब माप नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं खुद तुम्हारे अंदर आके रहूंगा, लेकिन किसको? ये निशानी होगी जिसने पवित्र वचन जो लिखा हुआ है अगर उसको कंप्लीट किया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को मरोड़ा नहीं, वो परीक्षाओं में फिसला नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली पूरा किया है, तो बाइबल कहती कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसेगा, वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर वो वास करेगा। क्यों करेगा तुम्हारे अंदर वास? क्यों परमेश्वर चाहता है कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर बसे? परमेश्वर को क्या लालच है इसका? उसको क्या फायदा है इसका? इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या? हमारा बाप हो, हमारी मां हो, हमारे रिश्तेदार हो, लाखों लोग हो, अगर पवित्र आत्मा नहीं तो लोग क्या हैं? अनाथ हैं। इसीलिए उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 10 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन सुसाइड कर ली। बैंक में करोड़ों रुपए है लेकिन सुसाइड कर ली। बाप दादा एक बड़ा पॉलिटिशियन है, सब कुछ ले सकता है, खरीद सकता है, सुसाइड कर ली। ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो 10 लाख रिश्तेदारों में भी क्या है? अनाथ है। क्योंकि वो वैक्यूम, वो खालीपन, वो अधूरापन जो इंसान फेस करता और किसी को बताता नहीं, उसे लगता है शायद मैं अच्छा बड़ा टीवी लेके अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देखूंगा तो शायद ये ठीक हो जाए। जब पिक्चर्स देखता है बॉलीवुड, ओ मालदीव 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 चला जाता है, फिर भी वो खाली रहता है। दुबई चला जाता है, खाली रहता है। सब कुछ करके दे लेता है, गाड़ियां ले लेता है, शादियां कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर भी खाली रहता है। और फिर उसे समझ आती है यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो वैक्यूम, जो खालीपन इंसान फेस करेगा जब तक मैं उसके अंदर नहीं आऊंगा, और जब वो अंदर आएगा, आप 8x10 के कमरे में मालदीव की फीलिंग ले सकते हैं। हालेलुया। आप अपने प्रेयर रूम में बैठे बैठे सारी फीलिंग्स ले सकते हैं। हाँ, आप पूरा कंटेंट, आप पूरा सेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में, आप विक्ट्री के साथ चलते हैं, आप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट ना कि आपको संतुष्टि की फीलिंग, आपको भरपूरी की फीलिंग, आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। फिर वो फेस आपकी लाइफ में शुरू होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और उसके बाद आप उसके साथ एक अच्छा लंबा और जेन्युइन समय व्यतीत कर लेते हैं। सारे चमत्कारों का रचने वाला पवित्र आत्मा है, सारे कामों को करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा ने याकूब को स्वप्न दिया था कि सपने में देख कि जो तेरी तनख्वाह है, धारी वाले भेड़ बकरियां, जो बकरियां और भेड़े जो गर्भवती हो रही हैं, वो धारी वाले बच्चों को पैदा कर रही। किसने बताया ये? पवित्र आत्मा ने। मैं बैठा हूं और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू करनी। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। और क्या हो रहा है अभी देखा आपने? हां,
जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको योजनाएं बताता है, वो आपको प्लानिंग्स देता है, वो आपकी अगुवाई करता है। आप फेलियर, फेलियर तो बहुत छोटा है, आपने कितना सक्सेसफुल होना है बस ये सोच रखेगी आप, कितना बढ़ना है आप। ये फेलियर तो शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम फेल नहीं होंगे, ना हो सकते, हम नहीं हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उसने उस आत्मा को संजोए रखा है, उसने उस आत्मा के साथ समय को बिताया, क्योंकि जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके साथ समय को बिताएगा, जैसे जैसे आप रोज वफादार रहेंगे, रोज की परीक्षाओं को पार करते जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध गहरा होता जाएगा और वो बातें अपनी बड़ी बड़ी बताता जाएगा, आपकी अगुवाई करता जाएगा दिन प्रतिदिन। वो आपको स्लो फील हो सकता है लेकिन उसका रिजल्ट ईंट ईंट छोटी चीज है, पत्थर से भी हीरे से भी कड़क होगा और मजबूत होगा, उसका रिजल्ट ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि आपने अपनी चट्टान, अपना घर जो है चट्टान पे नहीं, आपने हीरों पर, हीरो की हीरों पर बनाया, ऐसा ऐसा उससे भी स्ट्रांग आपको ऐसा फील होगा। और ये पॉसिबल है अगर पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड है तो। रोज पवित्र आत्मा से बात करते हो, अभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जा रहे हो, आप आ रहे हो, आपको ये सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो टक 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 आते ही चली जाती, ये मेरे अंदर रहता है। जो आप चर्च में महसूस करते हो और तालियां जोर से बजती है, वो पावर है, वो सामर्थ है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो चाहे ना हो, चाहे आप डाउन फील कर रहे हैं आज, निराश फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, फीलिंग से पवित्र आत्मा का कोई लेना देना नहीं। पवित्र आत्मा एक शख्स की तरह आपके अंदर, जिस तरह आपका भाई आपके साथ रहता है, आपकी मां आपके साथ रहती, चाहे आप उदास हो तो भी मां साथ है, आप आज खुश है तो मां साथ है, उसी तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप किसी भी कंडीशन से होके गुजर रहे हो और वो हेल्प करता है आपकी। कई लोग जब पाप में गिर जाते हैं उनकी भी वो हेल्प करता है, उनको भी वो बताता है किस तरह से बाहर आना है। परमेश्वर की बड़ी योजना है तुम्हारे लिए बाहर आने के लिए। हालेलुया। उस वचन को पढ़ेंगे फिर से, लास्ट वचन को, क्योंकि उसमें उसका, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की शक्ति पाएगी। इब्रानी वचन को पढ़ेंगे लास्ट में, संदेह दूर करना और पहेलियां खोलने के मतलब को, उस फोटो को देखेंगे इब्रानी शब्द भाषा के, जिसके मतलब है केतार, बोलो केतार, इसका मतलब है ए नॉट, एक गांठ, एक एक बोलते ना गांठ बंद गई, हाँ उसको। फिर से वचन को पढ़ेंगे, उसने कहा संदेह दूर करने की शक्ति। जब कोई गुड्डी उड़ाता है ना, वो डोर काइट उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, तो कई बार डोर में पड़ जाती है ना, क्या बोलते हैं उनको, गुंजल, गुंजल पड़ जाती, तो वो आम बंदा नहीं निकाल सकता, वो पूरा जड़ा दिमाग वाला बंदा वो काटता है, इधर नू उधर नू, समझ आ रही कि नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम में पवित्र आत्मा होगा और लोग तुम्हारे सामने बैठेंगे, उनकी जिंदगी की गुंजल को तू ऐसे खोल देगा जैसे पतंग की गुंजल खोलता। इसका मतलब यही है, फिर से पढ़ेंगे उस इब्रानी भाषा के शब्द को, उसका मतलब है केतार, मतलब ए नॉट, ए टाइट, यानी कोई चीज जो खुली हो, रिडल, यानी एक एक पजल जिसे हम बोलते हैं, कि 12 टुकड़े उनको आपस में जोड़ने हैं, कौन सा सही है, बच्चे खेलते हैं ना ऐसा। उसने कहा ये पवित्र आत्मा अगर तुम में होगा तो तुम्हारी निशानी होगी। ये मैंने अपनी लाइफ में फील किए, अब नहीं, 17 साल से, 18 साल से, जब भी मेरे को सामने आता था, उसको बोलता मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को हल होता था उसका, कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो पास्टर है, मेरे पास हल था। तीन तीन वचन, तीन तीन प्रोफेटिक वर्ड मैंने पास्टर्स जिनको दिए, उनकी चर्चेस 10 गुना 12 गुना 20 गुना बढ़ चुकी हैं। जस्ट तीन वचन, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसने कहा उसमें संदेह दूर करने की शक्ति, ये हिंदी में थोड़ा कमजोर कर दिया इसको, उसमें पजल दूर करने की, रिटल दूर करने की, गुंजलों को खोलने की, कांठों को खोलने की उनमें शक्ति थी। उसमें क्यों? पवित्र आत्मा उसमें बसता था। आपके सामने अगर कोई पारिवारिक प्रॉब्लम वाला आए, आपको मालूम होता है इसको क्या बोल रहे,
कौन सा डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है। अगर बिजनेसमैन बैठते हैं तो पवित्र आत्मा में बताता है इसको क्या बोलने है। अगर वो हाउस वाइफ बोलती है इसको क्या बोलने है। अगर वो पास्टर बैठा है इसकी लाइफ में क्या गुंजल है। अगर पवित्र आत्मा आप में बसता है, आप में संदेह दूर करने की शक्ति हो, जिस घर में आप होंगे आप वो घर आपसे बेनिफिट लेगा, जिस मोहल्ले में आप होंगे वो मोहल्ला आपसे बेनिफिट लेगा, यहां तक कि सरकारें भी आपसे बेनिफिट लेंगी, क्योंकि जो आप देख पाएंगे, जो आप सोच पाएंगे, जो आप में काबिलियत होगी, जो आप में निपुणता होगी, वो 10 गुना होगी आम लोगों से, 10 गुना से भी नीचे होंगे। और मैं किन लोगों से आपका कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं उन लोगों से नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। ये वो लोग थे जिनसे दानियल का कंपैरिजन हुआ, जिनको बचपन से लेके डाइट राजा की थी, खाना राजा का था, पानी उनको फिल्टर समझ लो फिल्टर मिलता था, बेस्ट पानी मिलता था, बेस्ट फूड मिलता था, स्पेशल बटलर था, स्पेशल शेफ लगाया हुआ था, सब कुछ बेस्ट था। सुबह को एक टीचर आके उसको घोड़ा सिखा रहा है, घोड़ा क्या चलाना है, एक चलाना है तलवार क्या चलानी है, अलग अलग विद्या साइकेट्रिस्ट आ रहा है उनको सिखा रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, बेस्ट जो बेस्ट थे अपने राज के, उन बेस्ट से 10 गुना बेस्ट था दानियल। उस बेस्ट से आप बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। Receive best in the name of Jesus Christ. I say receive best in the name of Jesus Christ. Get best in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Amen. आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि मैं उन लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। आप बोले देखो जी हर दारू पीने वाला बंदा मैं बतिया ही हो, तो उनसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो हाई अपने आप को समझते हैं, जिनमें पवित्र आत्मा होगा वो खड़े ही हो जाएंगे और कॉम्पिटिशन से ऊपर चले जाएंगे। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उनका रिजल्ट, उनकी लाइफ, उनकी बातें, उनका जो रिजल्ट बोलेगा वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ये पवित्र आत्मा की निशानी होगी। इमेजिन करो जिसने बपतिस्मा नहीं लिया अब तक, इमेजिन करो जो अब तक लंगर प्रसादों में फंसा है, इमेजिन करो जो अब तक गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंसा है, इमेजिन करो वो क्या खो रहे हैं। वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। जो पवित्र आत्मा उनको देना चाहता है वो कहीं अधिक है, वो कहीं बेस्ट है, वो कहीं अधिक है, वो कॉम्पिटिशन से परे है जो वो देना चाहते है। कहता उसमें पहेलियां बुझाने, रिडल्स, गांठ खोलने, गुंजल खोलने की शक्ति पाई गई। एक व्यक्ति जब सामने आया, चाहे वो राजा के टाइप का क्यों ना हो, उसको मालूम था क्या करना है। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा था, उसे संभाल के रखा। पोतीपर की पत्नी ने सोने के लिए बोला, कहता नहीं सोऊंगा नहीं, मैं तेरे साथ सेक्स करूंगा तो मरूंगा, पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के जाएगा। उसने पवित्र आत्मा को लिया और शरीर को छोड़ दिया। क्या हुआ, एक दिन राजा कहता जो तुझमें बुद्धि है, हाँ जो तुझमें है ना, तेरे को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और क्या हुआ फिर, टॉप पे वो था, चलती राजा की थी, उससे ऊपर सिर्फ राजा था, लेकिन वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। कारण क्या, पवित्र आत्मा। आज क्यों कंफ्यूज रहते लोग, पवित्र आत्मा नहीं। चर्च में आके तो उनको फील होता है कि हाँ हम पाप से मुड़ जाएं, सुधर जाएं, लेकिन वापस जाने के बाद फिर उनको शरीर घेरता है। क्यों घेरता है आपको, क्यों शैतान आपके पीछे लगा है? यही रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहता पवित्रताई में जिए, वो नहीं चाहता पवित्र आत्मा के साथ रहें। उसको मालूम है कि अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएगा, जब अंदर आएगा वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको उत्तम करेगा, निपुण करेगा, 10 टाइम बेस्ट करेगा। वो नहीं चाहता शैतान, वो चाहता हम स्ट्रगल करें। लाइफ इज ए स्ट्रगल, सबसे बड़ा झूठ है सदी का। मेरी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल नहीं है। वो स्ट्रगल एक समय का होता है जो पवित्र आत्मा के जरिए होता है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रगल नहीं होता कि आप मर ही जाओ, आप निराश ही हो जाओ। समझ रहे कि नहीं? वो फाइट होती है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं होता जो दुनिया कहती है लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं, अगर समझ आ जाए कैसे करना है। अगर गाड़ी चलानी ना आए तो गाड़ी फिर क्या है, धक्का मारो है, पसीना आ रहा है, थक्का बाज रहा जी इधर उधर। अगर चलानी आ जाए तो फिर मजा है। हाँ, अगर साइकिल चलाना ना आए तो स्ट्रगल है, फिर चलाना आ जाए तो क्या है, तो मजा है। अगर घोड़ा चलाना नहीं आता
वही घोड़ा अगर अपने सिर पे बिठा लो तो क्या है फिर? फिर स्ट्रगल है। हाँ, बंदा खोते थे जा रहा है, बंदे को लिया ना निर्दयी, हाँ खोते खोते नु किदा थल्ले देता, उन्हें खोता चुक लिया मोडे थे मोडे थे चुक लिया खोता, कद लिया छदाई जिया, ये भी नहीं पता खोता यूज किदा करना तो समझो मेरी बात को, यूज करना सीखो। आमीन। अगर नहीं पता चलना कैसे हो तो फिर खोता मोटे थे ही है, फिर कोई बचा नहीं सकता आपको, फिर लाइफ स्ट्रगल है, फिर दुष्ट आत्मा आ रही है, दुष्ट आत्मा थप्पड़ मार रही है, वो एंजॉय कर रही है। अगर लाइफ में पवित्र आत्मा होगा, मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा को आप ढूंढोगे कि किस में आज मुझे मिले, मैं इसको भगाऊं जरा, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप हंसोगे अपने ऊपर कि मैं क्या कर रहा था 10-15 साल पहले, मुझे क्या लग रहा था, मैं क्यों दुष्ट आत्मा के साथ मैंने इतना स्ट्रगल किया। क्योंकि जैसे ही आप पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू करेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये एकदम से ऐसा नहीं कि अभी अपने गर्लफ्रेंड छोड़ दी और सुबह ही कहे प्रभु जी आज मैंने 40 के गल्ला दसो, ऐसा नहीं होगा। आप चलेंगे अभी अभी चलेंगे पवित्रताई में, रोज रोज आपकी परीक्षा होगी, थोड़े थोड़े परमेश्वर आपको चिन्ह देगा, आपको हल्का हल्का आपको पीछे से सपोर्ट भी देगा, आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर एक बड़ा मिरेकल होगा, फिर परीक्षा हो सकती है, इस तरह से आप आगे बढ़ते। और जब परमेश्वर को यकीन हो जाता है कि हाँ ये बंदा अब हिलने वाला नहीं है, ये बंदा अब मुड़ने वाला नहीं है, मैं इसको बड़ी बातें बता सकता हूं, मैं इसको बड़े भेद दे सकता हूं, मैं इस पे बड़ी बातों के लिए जिम्मेवार इसको रख सकता हूं, मैं इसको कुछ बड़ा दे सकता हूं, फिर वो आपके रैंक को, आपकी रैंक को बढ़ाता है। आमीन।